अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाना जा रहे हैं हलीम। इसके लिए हमें चाहिए 1 पाव जौ कुटे हुए, 1 पाव गोश्त का कोरमा, 1 पाव गेहूं कुटे हुए, 1 पाव चने की दाल, 1 पाव माश की दाल, 1 पाव मसूर की दाल, 1 पाव मूंग की दाल। इसको हमने अच्छी तरह से भिगो दिया है। अब हम इसे चूल्हे पे रखेंगे। अब हम इसका चूल्हा फुल जलाएंगे। पानी हमने इतना लिया है कि ये अच्छे से गल जाए और ये दूसरे चूल्हे पे गेहूँ रखेंगे। इसका भी चूल्हा हमें फुल करना है कि ये अच्छे से गल जाए। ये देखिए, इसमें दालों में खटकी आ गई है, ये गलने लगी हैं। और ये भी, ये देखिए, दलिये ने भी पकना शुरू कर दिया है और दाल ने भी। अब इसके बाद दूसरी तैयारी करेंगे। इसको ढक, ये जौ भी हमने चूल्हे पे चढ़ा दिए हैं कुटे हुए। अब ये भी पकना शुरू होगा। ये दाल पकने लगी है। अब इसमें शामिल करेंगे हल्दी, इसमें डालेंगे 2 चम्मच पिसी हुई मिर्चें। अब इसमें कुटे हुए गेहूं और जौ शामिल करेंगे। ये देखें, ये सब कुछ पकने लगा। मिनट पकाओ। अब इसको कम से कम आधा घंटा पकाएंगे। इतने हम अपनी ग्रीन मसाले की तैयारी करें। 15 मिनट बाद ये देखिए, इन सब चीज़ों ने पकना शुरू कर दिया है। अब इनका आधा ढक्कन ढकेंगे। 15 मिनट बाद ये सही से गल जाएंगे। ये देखिए, 15 मिनट तक घोट के ये ऐसा हो गया है, थोड़ा थोड़ा सा घुट गया है। और बाकी हम इसको साबुत रखेंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे रेशे हुआ हुआ कोरमा। अब हम इसमें शामिल करेंगे रेशे हुआ हुआ कोरमा। इसमें हमने थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया था। इसको चलाएंगे। अब हम इसको चलाएंगे। कोरमा ऐड करने के बाद 15 मिनट तक इसको और पकाएंगे। उसके बाद हम भगार की तैयारी करेंगे। अभी नमक इसमें हमने नहीं शामिल किया है। अब हम करेंगे अपना हलीम का भगार। इसके लिए लिया है हमने 1 प्याली घी। अब हम इसमें प्याज डालेंगे। ये हो रहा है हमारा भगार। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। ये तैयार हो गया है 1.5 चमची। हम कर रहे हैं, अब हम करेंगे इसका भगार। ये देखिए कितना खूबसूरत कलर है। ये हो गया है हमारा हलीम तैयार। इसके लिए हमने लिए 1 गड्डी पुदीने की, 1 गड्डी धनिए की, 1 इंच का अदरक का कटा हुआ टुकड़ा, 6 से 8 हरी मिर्चें, 1 ये प्याज भगार के लिए, चाट मसाला 1 चम्मच, नमक और गरम मसाला आप जितना चाहें। तैयार है हमारा हलीम। अल्लाह, इसके साथ ही वीडियो को ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।